नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सोमवार को जहां हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी चौके छक्के लगाते हुए नजर आए थे, तो वहीं मंगलवार को रुद्रप्रयाग में बाइक पर घूमते हुए नजर आए हैं। और इस दौरान सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग में लोगों से केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए वोट भी मांगे। दरअसल बीते दिन सीएम धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे थे। यहां उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए प्रचार किया। इस दौरान सीएम धामी बाइक भी चलाते हुए नजर आए। सीएम धामी का यह अंदाज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता को भी काफी ज्यादा पसंद आया है। और इस अवसर पर मैं इस क्षेत्र की पूर्व विधायक सैला रानी दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने अंतिम सांस तक इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया। लगातार वो चिंता करती थी, भले ही अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके मन में सपने थे, जो उनकी कल्पना थी, आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम उन सपनों को धरातल पर उतारेंगे, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। और इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। भगवान ना करे कभी किसी को ये दिन देखना पड़े, और मैं तो ये प्रार्थना करूंगी कि कहीं भी उपचुनाव की नौबत आए, माँ बाप आपके जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। आज माँ को गए 4 महीने हो गए, और अभी भी वो तीस वो कसर मेरे मन में है। ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, माफ करिएगा। और एक ऐसी महिला जिसने केदारनाथ के लिए अपने आखिरी क्षणों पे, जब वो अस्पताल के बेड पे थी, तब भी वो फोन पे केदारनाथ में कहीं किसी महिला का टेंट लगवा रही थी। एक ऐसी महिला जिसने आप लोगों के लिए हमेशा काम किया। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपनी आस्था दिखानी है। तो वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को अपने आवास पर मनाने के बाद में गढ़वाल सांसद अनिल बलू ने इस पर्व को उत्तराखंड में भी मनाने मंगलवार शाम को कोटद्वार पहुंचे। कोटद्वार के ऐतिहासिक मालवीय उद्यान में आयोजित हुई इगास पर्व में इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखे और हमारी संस्कृति को देखे और उसमें शामिल हो। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, आने वाले सालों में इगास को और प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ मनाएंगे। देवभूमि परम्पराम, विश्व के आध्यात्मिक राजधानी या देवभूमि उत्तराखंड, ये कोटद्वार ऋषि मुनियों की धरती है, ज्ञानी तपस्वियों की धरती है, बाबा सिद्ध बलि की ये पवित्र धरती है, करुण ऋषि की पवित्र धरती है। ये धरती में इगास का प्रोग्राम जो मनाया जा रहा है, एकादशी का इसको रूप माना जाता है, यहाँ हम इगास कर रहे हैं। पहाड़ी भाषा में हरियाणा में एकादशी को ग्यास बोलते हैं, ग्यास से इगास हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यूसीसी को लेकर दिया अजीबोगरीब बयान, जहां पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, नियमावली बनने के बाद में हम इसे प्रदेश भर में लागू करेंगे। वहीं इस बयान पर कांग्रेस ने भी तीखा प्रहार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद को यूसीसी के नियमावली अपडेट का कुछ पता नहीं है। देखिए, यूसीसी के लिए तो नियमावली बन रही है, नियमावली बनने के साथ ही उसको हम लागू करेंगे। और
सबसे बड़ी बात है जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वही अगर कह रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं लागू हो रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यूसीसी पर बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया है और ये जल्द ही नियमावली बनने के बाद में लागू भी हो जाएगी। आपको बताते चलें कि पूरा मामला देहरादून से है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर नियमावली बनने के बाद में लागू होने की बात कहते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जमकर तंज कसा है। कई मांगों को लेकर उपनल कर्मचारियों ने जो सचिवालय कूच किया था उसका असर दिखने लगा है। उपनल कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आश्वासन दिया और जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठा लिया जाएगा। साथ ही शासन ने अधिकारियों ने वार्ता के दौरान आचार संहिता लागू होने के चलते निर्णय लेने पर असमर्थता भी जताई थी और साथ ही शासन के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता और मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद उपनल कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल को स्थगित करने का काम किया है। उपनल कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर जुबानी हमला बोला। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता ने भी कहा कि राज्य सरकार हमेशा ही कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के आसपास जुमले की तरह है जो सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन वे आश्वासन पूरे नहीं होंगे। उपनल कर्मचारियों ने कूच किया है जिसका असर भी अब देखने को मिला। उपनल कर्मचारियों ने कूच किया, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जो कि देहरादून से हैं जहां पर सीएम धामी ने पूरे मामले पर आश्वासन देते नजर आए तो वहीं मांगों पर बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। देखिए ऐसी सरकार शायद किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेगी जो न्याय प्रणाली पर जिसका विश्वास ही नहीं है। हाई कोर्ट से उपनल कर्मी जो हैं अपना केस जीत गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यथावत रखा जाए हाई कोर्ट का निर्देश और चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मियों को नियमित करने की बात दोनों ने कही है, पर सरकार जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रही है। इसका मतलब अपने पक्ष में नतीजे आने के बाद भी उपनल कर्मियों की झोली खाली की खाली रह गई। आपको बताते चले कि उपनल कर्मचारियों ने कूच किया है जिसका असर भी देखने को मिला। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम धामी ने इस पूरे मामले पर आश्वासन देते नजर आए। उन्होंने कहा कि जो भी मांगे हैं और जल्द ही इन मांगों पर फैसला भी लिया जाएगा और सभी की जो भी शिकायतें आ रही हैं उनको भी दूर किया जाएगा, जो भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। दरअसल सीएम लगातार आश्वासन दे रहे तो वहीं उपनल कर्मचारियों ने कूच किया जिसका असर भी अब देखने को मिला है। सतीजोड़ में सरकारी जमीन पर चल रही महादेव क्रिकेट एकेडमी को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवान ने कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भूमाफिया सतीचौड़ में सरकारी जमीन पर बनाई गई महादेव क्रिकेट एकेडमी के जरिए इस जमीन को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं, लिहाजा सरकार को इस पर राजकीय स्पोर्ट स्टेडियम बनाना चाहिए। स्पोर्ट स्टेडियम बनाने की बात कह रही है और वहीं एकेडमी को लेकर यूकेडी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है जिस पर एकेडमी बनाने को लेकर यूकेडी ने प्रतिक्रिया दी है। क्रिकेट एकेडमी पर भू माफियाओं का कब्जा भी लगातार बरकरार है। आपको बताते चले कि महादेव क्रिकेट एकेडमी पर भू माफियाओं का कब्जा भी है। महादेव क्रिकेट एकेडमी की जो जमीन है सरकारी जमीन और उस पर कुछ माफियाओं की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नज़र है।
उत्तराखंड क्रांति दल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो महादेव क्रिकेट एकेडमी है तो वही उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उपभोक्ताओं के लिए लगातार सकारात्मक कदम उठा रहा है। विभाग की ओर से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लगातार बड़ी राहत भी दी जा रही है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं को पिछले 5 महीनों में 324 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। आपकी संगोष्ठी का केवल एक उद्देश्य था कि विभाग कल कहाँ था, आज कहाँ है और कल कहाँ जाएगा। विभाग की किसकी कल क्या थी, आज क्या स्थिति है, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, उस पर हम लोग विचार रखने के लिए आज बैठे थे। और छूट आप लगातार दे रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ? और आगे का केदारनाथ में भी आप लोग एक नया प्लान कर रहे हैं, क्या क्या प्लान कर रहे हैं बता दीजिए। देखिए पिछले 5 महीने से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन 5 महीनों में लगातार हमारा पावर परचेज सेल ने या हमारी डिपार्टमेंट की जो भी फोरकास्टिंग टीम है, कमर्शियल टीम है, तो वहीं ऋषिकेश के कार्तिकेय शर्मा ने पावर लिफ्टिंग स्टेट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। मेडल जीतकर वापस लौटे कार्तिकेय शर्मा का परिजनों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। बेटे को मिठाई खिलाकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की और आशीर्वाद भी दिया। साथ ही कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि बचपन से ही उसको पावर लिफ्टिंग करने का शौक है। कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि अब तक मिल रही सफलताओं का श्रेय वे अपने पूरे परिवार को देते हैं। कार्तिकेय शर्मा के पिता संजय शर्मा ने बताया कि 10 नवंबर को रुद्रपुर में कुमायूं पावर लिफ्टिंग स्टेट चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। आपको बताते चलें कि राज्य का नाम रोशन किया तो वहीं कार्तिकेय शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है, जिसके बाद परिजनों में खुशी की लहर देखने को मिल रही। जैसे ही कार्तिकेय घर पहुंचे मुंह मीठा किया गया और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया है। साथ ही मशहूर एथलीट ने फिर से इतिहास रच दिया। और आपको बताते चलें कि कार्तिकेय शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। राज्य का नाम रोशन किया जहां पर कार्तिकेय शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है और राज्य का नाम रोशन किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर परिवार वालों में खुशी की लहर देखने को मिल रही और परिवार वालों ने मुंह मिठा कर आशीर्वाद दिया है। खबर देहरादून से है जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर देर रात शहर में आपको बताते चलें कि एक बार फिर से छापेमारी की गई है। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, विकास नगर सदर ने एक साथ कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री द्वारा शहर में संचालित बियर बार पब के निर्धारित समय अवधि के बाद शराब परोसे जाने की शिकायतों पर जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है और बार पर छापेमारी अभियान भी लगातार तेज है। जिला प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई हुई जहां पर तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए और डीएम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पूरा मामला देहरादून से है जहां पर डीएम एक्टिव मोड पे नजर आए और इस दौरान उन्होंने लगातार चेकिंग अभियान चलाया और कई बार पर छापेमारी भी की है। खटीमा के यूपी उत्तराखंड सीमा पर मझोला से लगे देवा फीडर नदी में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला, जिसे देखकर स्थानीय लोगों और राहगीरों में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय ग्राम प्रधान पति द्वारा इसकी घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्राम प्रधान हल्दी द्वारा सूचना दी गई थी कि कोई एक शव जो है पानी में तैरता पाया गया है, मौके पर आए हैं, शव को बाहर निकाला गया है। तो ये व्यक्ति जो है, इसका नाम ज्योति लैंकेस्टर, इसके पिता का नाम जॉन लैंकेस्टर है। ये मझोला यूपी दूसरे कॉलोनी के पास का रहने वाला है।
परिजनों में जिन मौके पर मौजूद आए, परिजन द्वारा बताया गया कि कुछ डिफेंसर वगैरह में ये चल रहा था काफी समय से, बॉडी ली है, पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है, जांच जारी है। हीरो ने बताया हमें कॉल आई कि एक डेड बॉडी ऊपर पानी में तैर रही थी, जो हमारे मझोला जिला पीलीभीत का रहने वाला लड़के का नाम है ज्योति लंगेश्वर करके नाम है, ये मझोला का रहने वाला निवासी है, लगभग इसकी उम्र 35 से 40 साल के अंदर होगी। उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र ने फरियादियों के लिए एक नई पहल शुरू की है, जहां पर उन्होंने काशीपुर में प्रत्येक मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए यहां पर बैठने का मन बनाया, जहां पर दर्जनों ग्रामीण नगर क्षेत्र के फरियादियों ने एसएसपी के सामने अपनी फरियाद रखी है। एसएसपी ने पीड़ितों की फरियाद सुनकर बहुत से फरियादियों का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश अधीनस्थ कर्मचारियों को दिए हैं। बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से मैंने उधम सिंह नगर जनपद की कमान संभाली, उस दिन से लोगों की समस्याएं किस प्रकार की हैं, जो इनके प्रार्थना पत्र आते थे उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के उपरांत पता चला कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि इस काशीपुर एरिया, जिसमें जसपुर, कुंडा, बाजपुर, इस एरिया के लोग हैं, जो वहाँ आ पाने में, रुद्रपुर आ पाने में असमर्थ हैं, और आते भी हैं तो उनको अपनी 2-3 दिन की कमाई इसमें लगानी पड़ती है और अपना समय गंवाना पड़ता है। पंतनगर थाना क्षेत्र में बीते रोज बस और पिकअप की भिड़ंत हो गई है। पिकअप में सवार मजदूरी करने जा रहे 31 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर एसएसपी सहित तमाम अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। पुलिस ने बस चालक और मजदूरों के ठेकेदार को हिरासत में लेते हुए पूछताछ कर रही है और सभी घायल दिनेशपुर के रहने वाले और पंतनगर खेत में मजदूरी करने को जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक, आपको बताते चलें कि सूचना मिली थी कि मटकोटा के पास में बस और पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए और राहगीरों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मजदूरों के ठेकेदार और बस चालक को हिरासत में लेते हुए पूछताछ कर रही है, साथ ही दोनों वाहनों को कब्जे में भी ले लिया गया है। पानी मोड़ की तरफ एक पिकअप ट्रक जा रहा था, उसमें 25 से 30 महिलाएं थी ज्यादातर, जो लेबर का काम करने दिनेशपुर से पंतनगर के फार्म की तरफ जा रही थी। उस पिकअप को एक बस ने टक्कर मार दी, जिसमें पिकअप पलट गया था और ये सारी महिलाएं घायल हो गई थी। इन महिलाओं को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ से 5 महिलाओं को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया और बाकी महिलाओं का और जो एक दो पुरुष और थे उनका ट्रीटमेंट यहीं पर फिलहाल चल रहा है। मैम, कौन सी गाड़ी थी जिसने टक्कर मारा? देखिए, अभी तक जो सामने आया कि एक बस थी, जो इंटरसिटी बस होती है प्राइवेट, वो थी। ये ऐसे जो भार वाहनों में सवारी ढोती है गाड़ियाँ, उनके खिलाफ हम लोगों की लगातार कार्रवाई चलती रहती है। ऐसे ड्राइवर्स के हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको 3 महीने के लिए पहले सस्पेंड भी करते हैं। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि भार वाहनों में सवारी ढोने पर 3 महीने के लिए DA को सस्पेंड करना है। बाकी जैसा कि अभी आपको पता ही है कि हम जो लगातार अभियान चला रहे हैं, ओवरलोडिंग जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ ड्राइवर और मालिक दोनों के खिलाफ FIR करवा रहे हैं। इस तरह की जो भी गाड़ियां हमें मिल रही हैं उसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा करवाएंगे। ये जो आज की घटना है ये एक अप्रिय घटना है, अफसोसजनक घटना है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किए जाने और मार्ग अवरुद्ध करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही SSP अजय सिंह ने कहा कि किसी भी रैली को निकालने से पहले अनुमति ली जाती है, जो इस रैली में शामिल लोगों ने नहीं ली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पुलिस के वाहन को क्षतिग्रस्त किया, जिसके चलते संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसे राजधानी होने के कारण यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन होते हैं और इसमें एक जो भी आदेश है सुसंगत, इसमें यह कि जो भी इस तरह के धरना प्रदर्शन जुलूस को निकालेगा उसके लिए DM महोदय द्वारा एक आदेश भी निर्गत किया गया कि उसमें उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त की जाएगी, जिससे अनुमति देखते हुए स्कूल के टाइमिंग को देखते हुए, भीड़ भाड़ का समय देखते हुए, उसको पुलिस द्वारा
उसमें नियमानुसार अनुमति दी जाती है। चूंकि जिस तरह का जुलूस अभी विगत दिवस में निकाला गया, इसमें कहीं भी कोई सूचना या कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी और जुलूस जो है केदारनाथ उपचुनाव के लिए जिले को 27 सेक्टर और 2 जोन में बांटा गया है। सुरक्षा और चेकिंग के लिए वहां पर 8 FST और साथ ही 10 FST का गठन किया गया। ये जानकारी नोडल अफसर ADGP, ADG, SP को दी गई। उन्होंने जिला पुलिस को बॉर्डर क्षेत्र में सघन चेकिंग और पड़ोसी जिलों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रुद्रप्रयाग पुलिस ने जानकारी देते हुए अब तक 210 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के लिए BNS की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया। साथ ही 95% लाइसेंस शस्त्रों को भी अब तक जमा कराया जा चुका है। ADG ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 162 मतदान केंद्र हैं और 173 मतदेय स्थल भी बनाए गए। उनके हिसाब से ही सुरक्षा की योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती और आपसी समन्वय भी समय से करने को कहा है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायतों का 36 दिन के भीतर निराकरण करना होता है और यदि समय पर उसका निराकरण नहीं हो पाता तो इसका भी स्पष्टीकरण देना होता है। कोटद्वार तहसील के SDM सोहनलाल सैनी की माने तो कोटद्वार तहसील में जितनी भी शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल से प्राप्त हो रही हैं उनका सभी अधिकारियों को समय पर निराकरण के निर्देश और आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बताते चले कि CM पोर्टल पर शिकायतों का जो समाधान है वो भी किया जा रहा है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि लगातार तमाम तरह की शिकायतें मिल रही थी, 36 दिनों के अंदर इसका समाधान भी करने के निर्देश दिए गए। आपको बताते चले कि 36 दिन के अंदर समाधान भी करना होता है। सभी को मालूम है जो भी पोर्टल पर शिकायतें होती हैं वो टाइम बाउंड होती हैं, 36 दिन के अंतर्गत उनका जो है निराकरण किया जाना होता है और जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी जो है समय समय पर जो है बैठक ली जाती है और त्वरित गति से जो है उनको निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हम लोग उसको 36 दिन के अंदर जो है कोशिश करते हैं कि उसका जो है निस्तारण हो जाए। तो सभी को जो है निर्देशित किया गया है कि उनकी जाँच करके और जो उसका समस्या का जो है निस्तारण कर सकें। आपको बताते चले कि CM पोर्टल का लॉन्च किया गया था जहां पर शिकायतों का समाधान लोगों का किया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि लगातार तमाम तरह की शिकायतें भी लोगों ने की, 36 दिन में भी अंदर इसका समाधान भी करना पड़ता है। फिलहाल बुढ़े में इतना ही, नमस्कार।